हेलो फ्रेंड्स, देखिए हमारी क्लस्टर मीटर में इंजन चेक लैंप की जो लाइट है वो ब्लिंक कर रही है और हमारी वाटर इंडिकेटर की लैंप जो है वो ग्लो कर रही है। देखिए फ्रेंड्स, ये वाटर इंडिकेटर की लैंप है। तो चलिए हम सॉफ्टवेयर को कनेक्ट कर लेते हैं और चेक करते हैं कि इस व्हीकल में क्या प्रॉब्लम थी। कस्टमर ने और एक कंप्लेन को उन्होंने बताया है कि हमारी जो व्हीकल है उसमें हमारी जो डीजल है उसकी कंजम्पशन बहुत ही ज़्यादा है। पर टिप में 20 लीटर जो डीजल है वो शॉर्ट हो जाती है। तो चलिए हम सॉफ्टवेयर को पहले कनेक्ट कर लेते हैं, कनेक्ट करके देखेंगे क्या प्रॉब्लम है, और अगर सारी पैरामीटर्स बिल्कुल सही है तो हम इसमें टेम्पलेट, दूसरी गाड़ी की टेम्पलेट हम इसमें यूज़ करेंगे और इस व्हीकल की जो प्रॉब्लम है उसे हम सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा इसमें कि टेम्पलेट को बनाया कैसे जाता है और उसे यूज़ कैसे किया जाता है। तो चलिए हम पहले कस्टमर की डिटेल्स को फिलअप कर लेते हैं ताकि फ्यूचर में हम इसकी इस कस्टमर की डिटेल्स को हम चेक कर सकें आसानी से। तो चलिए यहाँ पे कस्टमर की डिटेल्स को डाल लेते हैं फ्रेंड्स, और देखेंगे कि इस व्हीकल में क्या प्रॉब्लम है कि जिसके वजह से इंजन चेक लैंप जो है वो ब्लिंक कर रही है और हमारी जो व्हीकल उसमें पिकअप भी थोड़ी सी ड्रॉप हुई थी। तो चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। चलिए फॉल्ट कोड के ऊपर पहले क्लिक कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक एक्टिव कोड्स हैं वो 7 टाइम्स आए हुए हैं, 0418 वाटर इन फ्यूल इंडिकेटर। ये हमारे वाटर सेपरेटर में वाटर आने की वजह से ये सिग्नल हमें ECM को मिल जाती है कि ये यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पे जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसकी पूरी डिटेल्स हमारे सामने आ जाएगी और यहाँ पे हम देखेंगे कि ECM से हमारी वाटर सेपरेटर की जो सेंसर है वो ECM से डायरेक्ट कनेक्ट रहती है। जब भी वहाँ पे वाटर आएगी हमारी ECM डिटेक्ट कर लेगा कि वहाँ पे वाटर आ चुके हैं। तो ये क्या है, हमें सिग्नल दे देती है कि हमें इसे ड्रेन करनी है, अदरवाइज़ हमारे पंप या इंजेक्टर में प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ से ड्रेनेज है और यहाँ पे वायर की केबल लगती है। चलिए फ्रेंड्स, इसे हम प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं। ये हमारी प्रैक्टिकली वाटर सेपरेटर है। देखिए, ये यहाँ से ड्रेन प्लग है। जब हम यहाँ से ड्रेन करेंगे तो हमारे यहाँ से वाटर जो इसके अंदर वाटर सेपरेटर के अंदर में पानी और जो डीजल है वो बाहर आ जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, हमने एक डब्बा में उसे गिरा लिया है। फ्रेंड्स, मंथ में एक बार ज़रूर इसे ड्रेन करें ताकि हमें हमारी जो पंप और नोजल जो है वो सुरक्षित रहे। तो ये हमारी रिक्वेस्ट है कि किसी भी व्हीकल में BS3 हो या BS4 हो, वाटर सेपरेटर से वाटर मंथली वन टाइम ड्रेन करना ही चाहिए। तो चलिए अब हम देखते हैं इसमें कितनी वाटर है। फ्रेंड, देखिए हमारा जब हम फ्यूल को हम एक कंटेनर में डाल रहे हैं तो देखिए फ्रेंड्स कितनी इसमें वाटर है और डस्ट पार्टिकल्स भी हैं डस्ट पार्टिकल्स भी इसके अंदर हैं। चलिए अब हमने इसे लगा देनी है। इस प्लग को लगाने के बाद हम चेक करेंगे कि हमारी जो प्रॉब्लम थी वो ख़त्म हुई है कि नहीं। देखिए फ्रेंड्स, हमने व्हीकल को स्टार्ट कर लिया और हमारी वाटर इंडिकेटर लैंप जो है वो बुझ चुकी है। तो चलिए अब हम पैरामीटर्स को चेक करते हैं। यहाँ पे गियर डाउन प्रोटेक्शन और हमारी स्पीड लोड बेस कंट्रोल को हम चेक करेंगे, उसकी पैरामीटर बिल्कुल सही है तो हम इसमें टेम्पलेट डालेंगे टेम्पलेट बनाकर। फ्रेंड्स, पहले ये देखिए डिसेबल किया हुआ है तो इसे हम एनेबल कर लेंगे। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ी सी सर्दी हो गई है जिसके वजह से गला जो है वो खिचखिच कर रही है मेरी। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे डिसेबल है तो इसे एनेबल कर लेंगे और इसकी जो पैरामीटर्स है हम उसे चेक कर लेंगे। अगर ये बिल्कुल सही है तो हमें टेम्पलेट बनानी है। फ्रेंड्स, एक बात याद रखिए कि अगर टेम्पलेट बनानी है तो हमारी सॉफ्टवेयर की जो कनेक्शन है वो ECM से कट करनी होती है, उसके बाद हमारी टेम्पलेट बनने लायक होती है, उसके बाद हम टेम्पलेट को बना सकते हैं। ठीक है, अगर वो हमारी कनेक्ट रहेगी तो हमारी टेम्पलेट नहीं बन पाएगी। तो चलिए अब हम इसकी इनेबल करने के बाद देख लेते हैं और देखने के बाद हम इसे डिसकनेक्ट करेंगे और उसके बाद टेम्पलेट को बनाएंगे। फ्रेंड, किसी दूसरे व्हीकल की जो जिस व्हीकल की पिकअप बहुत अच्छी है और जिसकी एवरेज बहुत अच्छी है, उस व्हीकल की टेम्पलेट हम इस व्हीकल में डालेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं फुल डिटेल्स कि किस तरह से इसकी जो पैरामीटर सेट किए गए हैं वो सही है या गलत है या कम है। तो चलिए हम यहाँ पे गियर डाउन प्रोटेक्शन में देख लेते हैं कि यहाँ पे कितनी इसकी सेटिंग है।
और हमारी लोड बेस स्पीड कंट्रोल जो है वो कितनी में सेट किए गए हैं। ये दोनों देखने के बाद जब ये बिल्कुल सही है तो हम इसे टेम्पलेट इस व्हीकल में यूज़ करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दिखाया हुआ 33 दोनों में हमारी है, तो यहाँ से हम लिमिट को चेक कर लेंगे। अगर लिमिट भी हमारी सही है, लिमिट के हिसाब से अगर ये सही है तो हम इसे छोड़ देंगे इसी तरह से। और हमें लोड स्पीड लोड बेस कंट्रोल भी देखिए 2000 पे है। तो फ्रेंड्स चलिए हम अब इसे डिस्कनेक्ट कर लेंगे और डिस्कनेक्ट करके टेम्पलेट बनाते हैं। तो हम कैलिब्रेशन के जस्ट नीचे टेम्पलेट बनाने की, वहाँ पर टेम्पलेट बनाने की ऑप्शन है जहाँ से हम टेम्पलेट बनाएंगे। तो चलिए हम यहाँ से हटा लेते हैं, उसके बाद हम डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। डिस्कनेक्ट करने के बाद हम टेम्पलेट बनाने वाले के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारी जो पुरानी जो व्हीकल हमने देखा है इस सॉफ्टवेयर, इस लैपटॉप के ज़रिए, तो ये हमारी यहाँ पे सेव हो गई है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखते हैं कि किस व्हीकल की सबसे अच्छी एवरेज थी। तो यहाँ पे एक रफ़िक बोल के कस्टमर है, रकीफ़, उसकी व्हीकल जो है वो बहुत अच्छी एवरेज दे रही थी। तो चलिए हम उसकी टेम्पलेट बनाते हैं, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इनिशियल आएगा। इनिशियल के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, उसके ऊपर कर्सर ला के राइट क्लिक करेंगे तो कन्वर्ट टू टेम्पलेट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर नीचे में कुछ लिख देंगे, इस जगह पे रकीफ़ ऐसे लिख देंगे फॉर्मेलिटीज़ के लिए, ठीक है। वो लिखने के बाद हम यहाँ से ओके कर लेंगे। जब ये हमारी टेम्पलेट बनकर तैयार हो जाएगी तो इसे हम ECM को सेंड कर देंगे कनेक्ट करने के बाद। तो चलिए ये हमने यहाँ पे नेम लिख दिया है। इस व्हीकल की पिकअप और एवरेज जो है वो बहुत अच्छी थी। इस व्हीकल में जो डीजल है उस कस्टमर को बच रही थी, क्योंकि ये लिमिट एरिया में चलती है और वहाँ पे फिक्स्ड डीजल दिया जाता है कंपनी के थ्रू। अगर वो उतना पे ना चले तो कस्टमर को लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से हमें ये इसमें डालना पड़ रहा है। तो चलिए अब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे राइट। जब हम इसके ऊपर, ये बन गया हमारा टेम्पलेट। टेम्पलेट बनने के बाद जब हम उसके बाद हम कनेक्ट कर लेते हैं ECM को। जब हम कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट करने के बाद हम इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, फिर सेंड टू ECM कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ से कनेक्ट कर लेते हैं। जब ये कनेक्ट हो जाएगी, कनेक्ट होने के बाद हम ईजिली इसे ECM को सेंड कर देंगे। अगर हमारी कैलिब्रेशन की जो फाइल है वो बिल्कुल सेम है तो वो आसानी से ले लेगी, अगर वो डिफरेंस है तो कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम शो करेगी। तो चलिए हम इसे कनेक्ट करके उसके बाद देखते हैं कि क्या होती है, ये जो टेम्पलेट है इस व्हीकल में ले रही है या नहीं ले रही है, तो देखेंगे वही। चलिए अब हम उस टेम्पलेट के ऊपर जाएंगे और उसके बाद राइट क्लिक करेंगे। पहले इसे हटा लेंगे यहाँ से, उसके बाद राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेंड टू ECM कर लेंगे। फ्रेंड्स देखिए ये कनेक्ट हो गया, ये यहाँ सेंड टू ECM कर देंगे। इस जगह से ऑन ऑफ करने के लिए बोलेगी तो बोला जाएगा, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से ओके कर लेनी है। जब ओके करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से ले लेगी और प्रॉब्लम रहेगी तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ गए हैं और हमारे इसमें वाटर की इंडिकेटर की प्रॉब्लम थी वो भी यहाँ पे शो करने लगी हैं। तो फ्रेंड्स इसको हमें स्किप कर लेनी है क्योंकि ये टेम्पलेट इसमें नहीं चल पाएगी। तो चलिए हम इसे स्किप कर लेंगे। स्किप करने के बाद हम देखेंगे कि कोई और कस्टमर की डिटेल्स या कोई अच्छी वाली व्हीकल है जिसकी जो एवरेज है बिल्कुल सही थी। तो चलिए अब हम यहाँ से इसे हटा लेते हैं। हटाने के बाद हम फिर वापस डिस्कनेक्ट करेंगे। डिस्कनेक्ट करने के बाद टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारी जो फाइल है वो ओपन हो जाएगी। चलिए इस जगह पे हम देखते हैं, एक कस्टमर है सेम व्हीकल भोलानाथ गो, उसकी व्हीकल में 20 लीटर जो है डीजल पर टिप में छोड़ती है, वो बेनिफिट होती है। चलिए इसको इनिशियल के ऊपर क्लिक कर लेंगे, भोलानाथ के गो के ऊपर। यहाँ से क्रिएट टू टेम्पलेट कर लेंगे। यहाँ से जैसे कि क्रिएट टू टेम्पलेट करेंगे यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा। चलिए इस पर हम कुछ भी लिख देते हैं, भोलादा लिख देते हैं यहाँ पे। फिर इस जगह पे लिखने के बाद ओके कर लेंगे। जब ये हमारी टेम्पलेट रेडी हो जाएंगे तो ये नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे शो करने लगेंगे। देखिए फ्रेंड्स अभी 1 2 3 4 हैं यहाँ पे। देखिए अभी पाँचवा यहाँ पे आ गया। देखिए
पांचवा आ गया फ्रेंड्स। अब हम इसे क्या करेंगे, डायरेक्टली हम इस व्हीकल में चढ़ा लेंगे। एक प्रॉब्लम ये भी होती है फ्रेंड्स, यहाँ से कनेक्ट कर लेंगे कि अगर इस व्हीकल में किसी तरह की प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम भी इस व्हीकल में आ जाती है, लेकिन इस व्हीकल में किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं थी, बस ओनली एक सिलेक्शन बेसिक स्विच की एक प्रॉब्लम थी जिसके वजह से कोई प्रॉब्लम होती नहीं है व्हीकल में, और डीजल कंजम्पशन से उससे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि वो ऑप्शन इस व्हीकल में नहीं है, 2017 व्हीकल में वो ऑप्शन नहीं है। चलिए फिर हम देखते हैं, इसमें हमारा कनेक्ट होने का वेट करते हैं, जैसे ही कनेक्ट होगा चलिए अब हम इसे सेंड टू ECM कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सेंड टू ECM करेंगे, इस जगह से यहाँ से सेंड टू ECM कर लेंगे। सेंड टू ECM करने के बाद हम यहाँ से, चलिए हमारा ये सेव हो जाएगा इस जगह पे जाके। जब ये फाइल हमारी चढ़ जाएगी उसके ऊपर तो इसे हम चेक कर लेंगे कि हमारी गियर डाउन प्रोटेक्शन और स्पीड लोड बेस कंट्रोल जो है वो डिसेबल किया हुआ है कि नहीं, अगर नहीं इनेबल है तो उसे डिसेबल कर लेनी है। तो चलिए हम इसे, थोड़ा सा समय लग रहा है, ये थोड़ी सी टाइम लग रही है इस पे। ये होने के बाद हम आसानी से देख सकते हैं यहाँ पे कि किस तरह से ये हमारी फाइल जो है इसके ऊपर चढ़ रही है। ये हमारी चढ़ गई, चढ़ने के बाद इसी तरह से फ्रेंड्स, आपको जब कभी इस तरह से कभी भी कंप्लेन आए कि हमारी व्हीकल में जो पुअर पिकअप है और हमारी एवरेज जो है वो गड़बड़ है, तो आप दूसरी व्हीकल की टेम्पलेट आसानी से यूज़ करके इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन दे सकते हैं। चलिए अब उसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं, फीचर सेंस पैरामीटर्स में जाते हैं और यहाँ पर चेक करते हैं। फीचर सेंस पैरामीटर्स में जब जाएंगे तो यहाँ पर हमारी सारी डाटा जो है इस जगह पे ओपन हो जाएगी। देखिए यहाँ पे ओपन हो गई है, पर यहाँ पे देखिए अब पहले RPM चेक कर लेते हैं हमारी कितनी है। RPM यहाँ पे 650, देखिए इस व्हीकल में मैंने 650 सेट किया था पहले। तो चलिए अब हमारा गियर डाउन प्रोटेक्शन डिसेबल है, उसके बाद लोड बेस कंट्रोल डिसेबल है। चलिए अब हमें किसी तरह की सेटिंग इसमें करने की ज़रूरत नहीं है, और हम देखेंगे कि यहाँ पे डिसेबल है, हाँ ओके, सारी चीज़ ओके है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इसमें कोई फॉल्ट कोड ऑलरेडी पहले से है या नहीं, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और देखेंगे कि फॉल्ट कोड है या नहीं। चलिए फॉल्ट कोड के ऊपर पहले हम डाटा मॉनिटर के ऊपर क्लिक कर लेते हैं और हम एक्सेलेटर पैडल की लीवर को चेक कर लेते हैं। एक्सेलेटर पैडल जो है वो 100% हमारी वर्क कर रही है कि नहीं वो हम चेक कर लेंगे। जब हमारी 100% वर्क करने लगेगी उसके बाद फिर हम देखेंगे फॉल्ट कोड के ऊपर। देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये 100% जब हम प्रेस करेंगे तो देखिए 100% हमारी ये वर्क करने, देखिए वो इनक्रीज़ होकर वो हमारी 100 तक आएगी। अब हम फॉल्ट कोड के ऊपर क्लिक करेंगे, पर यहाँ पर देखिए एक कोड यहाँ पे जनरेट हुआ है, वो परफॉर्मेंस बेसिक सिलेक्शन स्विच की है जो कि इस व्हीकल में नहीं है, तो इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए ये रह भी जाएगा तो हमारी व्हीकल में किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो चलिए अगर इसे हटानी है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड, थैंक यू सो मच।